बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज का जो व्लॉग है वो ये है कि आज मैं लेकर आया हूँ एक्सबुक 360। इसको करेंगे अनबॉक्सिंग। आपने कहीं नहीं जाना, मेरी वीडियो को पूरा देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल सनी जैस्पर को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया। अब करते हैं इसको अनबॉक्सिंग, मेरे साथ जुड़े रहें जी व्यूअर्स। अब करेंगे इसको अनबॉक्सिंग एक्सबॉक्स 360। ये इसका बॉक्स है, आप देख सकते हैं इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। 20 GB, 60 GB, 120, 160, 250, 320, 500 GB, 1 TB। तो आपको मैं ये करके दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग एक्सबॉक्स 360 को। एक्सबॉक्स 360 आर्केड, यहाँ से देख लें इसकी सारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब इसको खोलते हैं जी, यहाँ से ओपन करते हैं इसको। लें जी व्यूअर्स, इसके अंदर वजूद हैं जो चीज़ें। एक वन सेकंड, ये है जी इसका कंट्रोलर व्यूअर्स। गाइस ये है इसका कंट्रोलर। ओके, ये कंट्रोलर आ गया जी। उसके बाद ये आ गया जी, ये जो है ये आ गई इसकी सप्लाई, पावर सप्लाई व्यूअर्स। ये ले जी गाइस, ये है इसकी पावर सप्लाई, ठीक है जी। अब और इसके अंदर क्या है, और इसके अंदर ये क्या है, ये है HDMI केबल व्यूअर्स। ये है HDMI केबल, और ये जो है ये पावर सप्लाई की तार है, पावर सप्लाई की तार। ठहर जाए, मैं आपको दिखाता हूँ। एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है, एक सेकंड। तो ये है इसकी पावर सप्लाई की तार, ठीक है जी। और व्यूअर्स ये है गाइस इसके अंदर एक्सबॉक्स 360। अब हम इसको एक्सबॉक्स 360 को करेंगे अनबॉक्सिंग। आपने कहीं नहीं जाना, इसको करते हैं, इसको खोलते हैं, एक सेकंड। ओहो हो, ये तो फट गया सारा। इसका ये टेप पहले लगाते हैं, ये खोलते हैं। इसके साथ ये वाली यहाँ टेप लगी है एक, और दे जी। ये है एक्सबॉक्स 360 व्यूअर्स, आपके सामने है एक्सबॉक्स 360। ओके जी, इसको हम लगाएं। ये अब ये जो इसकी है ना पावर सप्लाई, अब ये पावर सप्लाई जो है ये हमने लगानी है उसके साथ, एक्सबॉक्स के साथ। तो हम आपको मैं बताता हूँ कि ये कहाँ लगेगी। ये देखें जी, ये पावर सप्लाई है, और ये पावर सप्लाई लगेगी यहाँ पर, इस जगह पे, ठीक है जी। इस जगह पे आपने इसको लगा देना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद तो लें जी व्यूअर्स, अब मैं आपको इसको अटैच करके दिखाता हूँ। तो ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, ये आप देख सकते हैं। अब इसको खोल लेते हैं कंट्रोलर को, मैं आपको कंट्रोलर खोल के दिखाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ से कंट्रोलर मैंने खोला, ठीक है। और ये कंट्रोलर आ गया जी, मेरे जी ये कंट्रोलर बाहर आ गया आपके सामने। ये कंट्रोलर निकाल दिया मैंने, ठीक है। अब इसको इसके साथ अटैच करेंगे, ये कंट्रोलर, ये है व्यूअर्स इसका कंट्रोलर। और इस कंट्रोलर को इसके साथ अटैच, वो आपको मैं बताता हूँ, अभी मैं लगा लूँ सारा, जोड़ लूँ, आपको बताता हूँ। इसके बाद ये है इसकी HDMI केबल, HDMI केबल जो है व्यूअर्स ये लगेगी यहाँ पर, इस जगह पे। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ ये कहाँ लगनी है।
व्यूवर्स, ज़रा आपको क्लोज करके बताता हूँ, ठहरे गाइस। ये है HDMI केबल। तो ये जो केबल है ना, ये आपने लगा देनी इस जगह पे, ये जो नीचे जगह बनी है ना, ये इस जगह पे आपने इसको अटैच कर देना ऐसे, ये इस यहाँ पर अटैच कर दें, इसको लगा दें, ठीक है। यह मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है। जो ये वायर आ रही है, ये वायर है इसकी सप्लाई की। अब यहाँ सप्लाई की भी तार लगनी है, और HDMI मैंने आपको दिखा दी, ये लग गई, और पावर सप्लाई की तार ये है। और इसके साथ जो इसकी तार लगेगी ना पावर सप्लाई को, इसको ये यहाँ से इसको यहाँ पर ये तार लगेगी, ये वाली, ये तार यहाँ लगा दें आप, इसको यहाँ रखें, ठीक है। और ये देखें जी, ये जो नज़र आ रहा है आपको, इसको आपने ऐसे, ये जो साइड है नीचे रखनी है, ये वाली साइड ऊपर, और इसको आपने यहाँ पर लगा देना, यहाँ लगा दिया इसको, ठीक है जी। ये यहाँ लग गई, ये वाली तार पावर सप्लाई की यहाँ लगा दी, और HDMI केबल यहाँ लगा दी, ठीक है जी व्यूअर्स। अब आपको चाहिए गाइस, ये जो तार है ना HDMI की, ये आपने लगानी है इस LCD के पीछे। तो मैं कहाँ किस जगह पे लगानी है ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी व्यूअर्स, इसके पीछे LCD के पीछे जो जगह बनी होगी ना, यहाँ पर ये लिखा है जी, ये जो HDMI लिखा हुआ है ना, ये तार इसके पीछे लगा देनी है आपने, ये वाली साइड आपने रखनी है, और इस साइड को आपने यहाँ जहाँ HDMI है ना, ये वाली जगह यहाँ आपने इसको अटैच कर देना, ठीक है जी। लें गाइस, मैंने LCD को उल्टा कर लिया। अब ये जो HDMI केबल है, ये आपने लगा देनी है यहाँ पर, इस जगह पे जहाँ पर HDMI लिखा होगा, आपने उस जगह पे इसको लगा देना है, यहाँ पर ऐसे आपने इसको, ये ठहरें, ये देखें, यहाँ पर आपने इसको, इस जगह पे आपने इसको लगा देना है जी, यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये देखो, यहाँ पर आपने इसको लगा देना ऐसे, ठीक है व्यूवर्स। आपको यहाँ तक आपको समझ लग गई है, आगे चलते हैं जी। LCD हमने सीधी कर ली है, अब हम इसको जो इसकी तार है LCD की वो लगाते हैं, और ये जो तार है ये पावर सप्लाई की, ये लगा दी, पावर सप्लाई भी लग गई, और अब करते हैं TV को ऑन। अब TV ऑन करते हैं जी। ले जी, हमने अब TV ऑन कर दिया। आप पूरी वीडियो देखें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। ले जी, LCD हो गई ऑन। अब जी गाइस, आपने करना ये है कि आपने जाना है ये वाला, ये सोर्स पे जाना है, सोर्स पे क्लिक करना है, और नीचे करते जाना है, और HDMI पर जब आ जाए तो उसको आपने यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है जी। ओके करने के बाद ये ठहरें, ये आ गया। अब आपने इस बटन को ऑन कर देना है, पावर सप्लाई नीचे देखें चल रही है, और इसको ऑन कर देना आपने। लें जी, आपका एक्सबो चल पड़ा। लें जी, एक्सबो C60 चल गया है। अब आपने करना ये है, ये जो कंट्रोलर मैं लेकर आया हूँ ना, इसको अटैच करना है, मैं आपको बताता हूँ कैसे अटैच करना है। ये एक्सबो उसका कंट्रोलर, और ये लगेगा जी, इसकी तार आपको लगानी है यहाँ पर, ये इस जगह पे अपनी तार लगानी है इसको। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर तार लगेगी,
यहाँ पर जी जहाँ ये दो कंट्रोलर आपके दो भी लग सकते हैं, एक इस जगह पे लग सकता है एक इस जगह पे। आपने दोनों में कोई भी जगह आप ऊपर लगा दें नीचे लगा दें आपकी मर्ज़ी है। इसको आप यहाँ लगा दें, ये इसको यहाँ अटैच कर दें, इसको मैंने यहाँ अटैच कर दिया। अब देखें जी आपका कंट्रोलर जो है वो चल गया। ये कंट्रोलर आप यहाँ पर इसको चला के देख लें, ठीक है जी। यहाँ से इसको आपने नीचे करना है, ये ठहर जाए। मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ है तो व्यूअर्स मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से इसकी गेमें आगे करें, ये आ गया जी, ठीक है जी। यहाँ ए दबाएंगे तो जी व्यूअर्स इसके अंदर गेमें हैं, टोटल गेमें इसके अंदर हैं 1/33 1/33 इसके अंदर 33 गेमें हैं। पहली गेम जो है अलोन वेक, उसके बाद बैटमैन, उसके बाद सारी बैटल, उसके बाद बैंटन, ब्लोर, कॉल ऑफ ड्यूटी 4, कार्स 3, ब्लैक OPS 2, उसके बाद डॉन, बर्डमैन, क्रिकेट, उसके बाद ड्रैगन बॉल, उसके बाद ड्राइवर सैन फ्रांसिको, उसके बाद फार क्राई फोर HB फीफा 19, उसके बाद फार्मूला, उसके बाद GTA ग्रैंड थेफ्ट ऑटो 5, GTA 5 आ गई, उसके बाद हेलो 4 आ गई, उसके बाद हिटमैन, LA नोरो, लीगो बैटमैन, माफिया 2, माइनक्राफ्ट, ये सब गेमें, मोस्ट वांटेड नीड फॉर स्पीड, उसके बाद ये रेड डेड, उसके बाद सोनिक अनरिलीज्ड, उसके बाद टेकन 6 आ गई, टेकन टैग 2 आ गई, और WWE 2K17, ये सारी इसके अंदर गेमें मौजूद हैं। हम इसके अंदर जो गेम चलाने वाले हैं वो है जी ये वाली, ये गेम लें जी व्यूअर्स। अब मैं आपको चला के दिखाऊंगा इसमें GTA 5। तो अब मैं ऑन करता हूँ यहाँ से GTA 5, ये बटन दबा के ग्रीन, और ये चल गई है GTA 5। ओके GTA 5 चल गई। और लें जी व्यूअर्स, आप उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी Xbox 360 अनबॉक्सिंग की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आपको किसी चीज़ की कमी ना आए। अब तक के लिए इतना ही, आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं आपको ये गेम जो है वो थोड़ी सी दिखा देती है। अब आपको मैं GTA 5 खेल के भी थोड़ी दिखा देता हूँ। यहाँ से आगे जाएगा जी माइकल, और जो मेरी वीडियो पंजाबी डबिंग में आएंगी वो भी से आके देखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ से गाड़ी पकड़ेगा येलो बटन से गाड़ी पकड़ेगा, और जो इसका ये बटन है इससे ये आगे जाएगा, और ये इससे ब्रेक लगाएगा, ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो देखने का, वॉच करने का, थैंक यू वेरी मच। और सनी जैस्पर को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करना व्यूअर्स, आपने बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।